नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद बेल आइकन। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं अबाउट दिस चैनल। वेल, दिस चैनल इज बेस्ड ऑन टू कंटेंट। फर्स्ट इट फिटनेस एंड सेकेंड इज ट्रेवलिंग। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है, ट्रेवलिंग मेरी हॉबी है। हमने बहुत सारे वर्कआउट सीरीज बना, अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम वन साइंस न्यूट्रिशन का आइसो गोल्ड वे प्रोटीन आइसोलेट का डिटेल रिव्यू करेंगे। क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है इसका साइड इफेक्ट, मार्केट में कैसे हम इसकी ओरिजिनलिटी और फेक में डिफरेंस पता लगा सकते हैं, क्या है इसका सही डोज, क्या है प्राइस, कंप्लीट इस विषय पे बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और मेक श्योर करिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है वन साइंस न्यूट्रिशन आइसो गोल्ड वे प्रोटीन आइसोलेट। टोटल नंबर ऑफ स्कूप जो हमें मिलते हैं वो है 76। पर स्कूप में जो प्रोटीन मिलता है वो है 27 ग्राम। ऑलराइट, एल-ग्लूटामाइन हमें मिलता है 5.3 ग्राम, प्लस साथ ही साथ हमें जिसमें मिलता है BCAA 6.4 ग्राम। ओवरऑल जो मेरे पास बॉक्स का जो साइज है वो है 2.27 kg। जो फ्लेवर है वो है कैपेचिनो। ऑलराइट गाइस, वन साइंस न्यूट्रिशन एक यूरोप बेस्ड कंपनी है और वहां से इंडिया में जो इसको लेके आता है वो है इसका ऑफिशियल इंपोर्टर पार्टनर MHI, दैट इज मसल हाउस ऑफ इंडिया। यही इसका ऑफिशियल इंपोर्टर पार्टनर है। तो गाइस, सबसे पहले ओरिजिनलिटी और फेक चेक करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट, जब भी हमारे पास बॉक्स आता है तो इसके बॉक्स के टॉप पर हमें एक स्टिकर मिलता है ऑफिशियल इंपोर्टर पार्टनर का, MHI का। ऑल राइट, सेकेंड, हमारे पास बॉक्स के नीचे लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, उसका मैं फोटो स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। थर्ड, हम इस प्रोडक्ट को ओरिजिनलिटी के चेक करने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि यस, हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है। ऑल राइट, जैसे ही हमारे पास इसके बॉक्स के ऊपर स्क्रैच कोड मिलता है MHI का, उसके ऊपर पूरी डिटेल रहती है, हमने कब इंपोर्ट करा, हमारे बॉक्स का साइज क्या है, हमारे बॉक्स का फ्लेवर कौन सा है, कहाँ से हमने इंपोर्ट करा, सिटी ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है, और इसकी जो वेरीफाई करने की प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। ऑल राइट, इसमें हमें स्क्रैच कोड मिलता है और SMS के लिए नंबर मिलता है। या तो हम SMS के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट मसल हाउस इंडिया की वेबसाइट पर जाकर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट वहाँ पे हम वेबसाइट पे हम वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर हमें वो साइन अप करने के लिए बोलता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वाया SMS के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे स्क्रैच कोड को स्क्रैच करेंगे उसमें जितने भी स्क्रैच कोड आपको मिलता है उस नंबर पे आपको सारा डिजिट्स उस पे डाल देना है और सेंड कर देना है। विद इन 5 to 10 minutes आपके पास ऑथेंटिकेट का SMS आ जाता है। तो इसकी जो ऑथेंटिकेट की प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। हमें ओरिजिनलिटी चेक करने का तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, इसका हमें बॉक्स पर MHI का ऑफिशियल इंपोर्टर पार्टनर का स्टिकर होना चाहिए। ऑलराइट, दूसरा, बॉक्स के नीचे, बॉक्स के बॉटम पे हमें एक्सपायरी और लॉट नंबर लिखा होना चाहिए ब्लू कलर में। ऑलराइट, तीसरा, हमारा प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट हो पाए पाया SMS के थ्रू। ऑलराइट, तो ये थी इसकी कुछ सिंपल वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ सर्विंग मिलती है वो रहती है 76 की। 30 ग्राम की एक सर्विंग रहती है, उसमें प्रोटीन जो हमें मिलता है वो रहता है 27 ग्राम का प्रोटीन। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, लेट्स चेक इट। तो गाइस, 30 ग्राम की स्कूप में हमें जो मिलता है, एनर्जी रहती है 105 कैलोरीज, फैट रहता है 0.3 ग्राम, सैचुरेटेड फैट रहता है 0.2, कार्बोहाइड्रेट रहता है 0.5, शुगर रहती है 0.4 ग्राम, प्रोटीन अगेन 27 ग्राम का प्रोटीन रहता है, सॉल्ट रहता है 0.25 ग्राम। ऑल राइट, तो ये जो प्रोटीन बना हुआ है वो है कंप्लीट सोया और मिल्क से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन भी है, आइसोलेट प्रोटीन भी है। थी इसकी कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट
की बात कर लेते हैं, तो मिक्सिबिलिटी जो मैंने नोटिस करी वो थोड़ी सी मुझे वीक नजर आई। ये प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। कई बार ही क्या होता है, प्रोटीन के जो छोटे छोटे बॉल्स है, क्यूब्स हैं, वो शेकर में रह जाते हैं, प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं, और वो हमें पीने के वक्त हमारे मुंह में आते हैं। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा मिक्स होने में इसको टाइम लगता है, या तो हमें इसको हैंड ब्लेंडर से मिक्स करना पड़ता है, या तो इसको बहुत ज़्यादा देर तक शेक करना पड़ता है, तब जाकर ये प्रॉपर मिक्स होता है। ओवरऑल रेटिंग की अगर मैं बात करूँ मिक्सिबिलिटी की, तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 4 out of 5। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की। चूंकि मेरे पास फ्लेवर कैपेचिनो है, और कैपेचिनो अपने आप में एक कॉफ़ी जैसा टेस्ट देता है, तो इसका जो फ्लेवर है वो एकदम कॉफ़ी की तरह लगता है, और वो थोड़ा सा पीने में हमें अच्छा फील आता है, एक रिफ्रेशमेंट जैसा हमें फील देता है। तो इसका जो टेस्ट की मैं रेटिंग दूंगा वो रहेगी हमारी 4.9 out of 5। तो ये थी गाइस इसकी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट की बात। तो गाइस जो बेनिफिट देखने को मिलते हैं आफ्टर टेकिंग दिस आइसो गोल्ड वे प्रोटीन आइसोलेट, पहला हमारा मसल मास इंक्रीज होता है, लीन मसल मास इंक्रीज होता है। दूसरा हमारा मसल का जो फटिकनेस है वो कम होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। चूंकि इसमें पीसी डबल है 6.4 ग्राम, तो उससे क्या होता है गाइस, हमारा जो मसल की रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। और कंपनी का ये भी मानना है, कंपनी ये भी क्लेम करती है कि ये रैपिड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ बना है। उससे क्या होता है गाइस, जैसे ही हम शेक को पीते हैं वैसे ही हमारे मसल में न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मिल जाते हैं। उससे ही क्या होता है, हमारा लीन मसल मास ग्रोथ होता है, हमारे मसल का फटिकनेस कम होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नज़र आती है, हमारा मसल का रिकवरी का जो टाइम है वो कम होता है। तो गाइस इसमें आइसोलेट वे प्रोटीन प्लस हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन डले हुए हैं, इसलिए आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट की हम बात कर ले गाइस, तो एज सच इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को मुझे नहीं मिले। लाइक मोस्टली बहुत सारे प्रोटीन पाउडर में हेयर फॉल का इशू आता है, ब्लॉटिंग का इशू आता है, वॉमिटिंग का इशू आता है, एक्ने का इशू आता है, बट आफ्टर टेकिंग दिस मुझे ना तो वॉमिटिंग का इशू हुआ, ना ब्लॉटिंग का इशू हुआ, ना ही मेरी बॉडी पे कोई भी प्रकार के एक्ने हुए, ना रैशेज हुए, ना ही मेरा हेयर फॉल का कोई इशू आया है। तो आप बिंदास इसको आँख बंद करके पी सकते हैं। प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं गाइस, तो बॉक्स पे जो प्राइस मेंशन है वो है 10,000 रुपये, बट ये इजीली 6,500 से लेके 6,900 रुपये तक अमेजोन पर मिल जाता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, बट रिसेंटली मैंने इसके 2 फ्लेवर ट्राई करे हैं, पहला है चॉकलेट चार्ज और दूसरा है जो कि मैंने आपको बताया है कैपेचिनो। कैपेचिनो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर ऑफ चॉकलेट चार्ज। तो मेरा यही रिकमेंड रहेगा गाइस, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसका कैपेचिनो फ्लेवर लीजिए, और इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप इसको क्विक बाय कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन ऑफ वीडियो की। टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रेंक विथ यू गाइस, जितने भी अभी इम्पोर्टेड ब्रांड है लाइक डायमेटाइज ऑन BPI और जो भी वेल नोन इम्पोर्टेड ब्रांड है, उनको ये खुद टक्कर दे रहा है वन साइंस न्यूट्रिशन। ये जो कंपनी है इन्होंने अभी तक इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, जिससे क्या होता है कि जो जितने भी वेल नोन ब्रांड है और इस इंडस्ट्री में सप्लीमेंट इंडस्ट्री में ये अभी तक सबको टक्कर देते हुए आ रहा है। आई होप ये आगे भी इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। बेसिकली गाइस आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड के ही प्रोटीन चाहिए, हाल फिलहाल डायमेटाइज 10-10.5 हज़ार रुपये का चल रहा है, ऑन का जो गोल्ड है वो 8-9 हज़ार रुपये का चल रहा है, आपका इतने का बजट नहीं है, आपको अराउंड 6-7 हज़ार रुपये की रेंज में इम्पोर्टेड प्रोटीन चाहिए, तो गाइस आप आँख बंद करके इसे ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बस आपको डाइट पर ध्यान देना है, आपको वर्कआउट पर ध्यान देना है, और आपको स्लीप साइकिल पर ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको ये एक दिन में 2 बार लेना है, एक मॉर्निंग में लेना है और दूसरा स्कूप आपको लेना है वर्कआउट के बाद। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं और दूसरा स्कोप आप ले सकते हैं बैड टाइम पे, मतलब सोने के आधे से 1 घंटे पहले, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। तो गाइस ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल रिव्यू। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप नीचे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, गुड बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर आप इस चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ, गुड बाय, टेक केयर।